वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका आयमा आप क्या करती है FSC pre -medical के तालबे बहुत ही अच्छी भाई। कर, हो जाए अच्छा मेरा सर से है सर ये शोरा है अपने सेहत पे, क्यों नहीं, देते? पे क्यों नहीं देते कुछ बहुत बारीक हैं कुछ थोड़े परमा है हाँ। क्यों है ये असल में क्या है कि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता मतलब ये जितनी देर में हमने बाल संवार कंगिया करनी है उतनी देर में बंदा कहता है कुछ और करने वाला काम कर लो सेहत का तो पता नहीं है मतलब हमें ये भी ग... करने वाले काम है मतलब बाल बनाना करने वाला काम है नहीं, नहीं नहीं लेकिन मेरे लिए नहीं है करना तो बंदा घंटा ऐसे कंघी करता रहे तो अच्छा। ऐसा है कि सेहत का मेरी तो ठीक है अच्छा हाँ मतलब सही है हाँ हाँ ठीक है आ, सही है, <laughs> <सही> है <देखा। laughs> मेरी ठीक है बाकी देखा मैंने मैंने ये देखा है मैंने ये देखा है कि शोरा होते एक पुराने ज़माने के खास होलिय के होते थे बाल बड़े हुए हैं परेशान हैं अब धुएं में धुएं के पीछे से शेर कह रहे हैं पूरा होता था परेशान होते थे अब शुरा जो है वो बार बार जाते हैं बड़े भारी रकूम मिलती हैं अब थोड़ा कमर्शल ज़्यादा नहीं हो गया शायद नहीं सही भी हो गया उसकी वजह यह है कि दुनिया को ये पता है कि उनको हर जो शोबे से वाबस्ता है उनको पैसे देने हैं ठीक है ठीके? हाँ कबाल को मिल रहे हैं नाथ खानों को मिल रहे हैं ठीक है कॉमेडियंस एक्टर्स मिल को मिल रहे हैं कॉमेडियंस को मिल रहे हैं शायरों को इन्होंने बस दुआओं पे हुआ है कि अल्लाह खैर खुश रखे शायर का ये तो मसला है ना वो गम में लिख रहा है बोलते चलो ठीक है है यार तो दुआएं दे देते हैं हां सही बात उनको तो पैसे क्या दे? तो असल में तो ये हमारे बड़ों को भी करना चाहिए था कि उनको बताना है कि यार हमें कुछ हमें भी कुछ चाहिए लेकिन अभी भी थोड़ा सा चीजें बेहतर हो रही है लेकिन अभी उतना नहीं है सब ठीक है उतना अभी भी अमीर नहीं हो रहा शायद शायर उतना अमीर नहीं हो रहा उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए अच्छा ये बताइए बहुत सुनने में आता है की टैलेंट जो होता है ना आर्टिस्ट एक्टर पेंटर शायर कमेडियन ये सब कहते हैं ऐसा पैदा होता है बंदा ऐसा हो बन नहीं सकता कोई कामयाब इस तरह ऐसा आप मानते हो ऐसा शायर तो बिल्कुल नहीं बन सकता लेकिन एक्टर तो बन जाते हैं जैसे क्या बनी हुई हैं एक्टर्स वगैरह की हाँ। लेकिन शायरी की तो कोई अकेडमी नहीं है कहीं ये नहीं दिखा होगा कि कोई शायरी सिखा रहा है कुम। वाले आप ठीक है परेशान है नहीं क्या नाम है आपका गुल अंदलीपुलीप क्या करती है आप बीकॉम बी कॉम करती हैं वेरी गुड कोई सवाल हाँ सर आपसे ये क्वेश्चन है कि नाकाम आशिक का इलाज क्या है नाकाम आशिक का क्या इलाज नाकाम आशिक का इलाज मैंने पहले बताया हुआ एक जगह कि मैंने ये कहा है कि जो जो औरत का जख्म होता है ना उस पर कोई और दर्द नहीं वो वो नहीं लगती दवा उसके ऊपर दूसरी औरत रख के पट्टी कर दो वाल आपका क्या नाम तय्यबा नूर आप क्या करती है तैयब आई सी एस कर रही आप आई सी एस कर रही है आप सवाल करेंगे हाँ जी करे ना मेरा सर से सर सवाल है की आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है आप एकदम जहन में आता लिख देते हैं या फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं थोड़ा तो थोड़ा करते हैं एकदम <laughs> डेडिकेटेड आवर्स हैं दो तीन घंटे बैठेंगे लिखेंगे या बस चलते फिरते तो मुझे वो ज़्यादा समझ आ गया था तो <laughs> <laughs> तो ये जाहिर है एक मिस्टीरियस प्रोसेस ही होता है तो इसमें ये रहता है कि मुझे कभी मैं लिखने बैठूँ कुछ तो नहीं लिखा जाता तो जैसे मैंने पहले बताया मैं कुछ अच्छा पढ़ूँगा तो मेरा दिल करता है मैं उस ट्रेट में जाके कुछ लिखूँ कभी लिखा जाता कभी नहीं गज़ल जो होती है उसकी नशिस्तें ज़्यादा होती हैं मिसाल के तौर पे वो कभी एक महीने में होगी कभी चार महीने में होगी तो एक नशिस्त में एक हो जाती है मतलब आप बैठे हैं तो एक नशिस्त में नज्म हो जाती है ठीक है ठीक है भाई आप तो, कुछ शायर हैं क्या इतनी टेक्निकल बातें पूछ के आप <laughs> इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगी बेचेंगी आगे जाएंगी? <laughs> <laughs> नहीं बस वैसे ही अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा पूछ ले कई काम आ गया